अगर आप वाकई में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और चीजों को समझ के आपको मजा आता है और आप ये जानना चाह रहे थे वाकई में कि केमिस्ट्री का क्या मतलब है, कितनी सारी मैंने आपको यहाँ ट्रिक सिखाई है, तो यकीनन आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आएगा। हेलो माय डियर चैंपियंस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू वन मोर सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। क्लास 9th में जो केमिस्ट्री आप पढ़कर आए हैं वो बहुत ही आसान थी। जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा कि क्लास 9th की जो केमिस्ट्री है विच इज 100 टाइम्स इजी देन द केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th, यानी कि वो 100 गुना आसान है और क्लास 10th की केमिस्ट्री 100 गुना मुश्किल है। अगर 9th के कंपेयर की बात करें, वैसे मुश्किल नहीं है ना ही आपको लगने वाली है। तो क्लास 9th में जो आपने लास्ट के दो चैप्टर पढ़े थे बेटा, एक आपने पढ़ा था एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एक आपने जो लास्ट वाला चैप्टर था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, जहां पे आपने एटॉमिक नंबर याद किए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है आपने सब सीखा कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं नेगेटिव आयन बनाते हैं, और कोई फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट। बट अभी भी अगर वो बातें आपको क्लियर नहीं है, दैट इज़ द बेसिक फॉर ऑल द केमिस्ट्री, वो पूरी केमिस्ट्री के लिए बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर वो आपको क्लियर नहीं होगा तो आप फिर इसको हिला भी नहीं पाएंगे। अगर आपने सिर्फ उतना पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसकी वैलेंसी कैसे बनाते हैं, आपने वैलेंसी डायरेक्ट याद कर रखी है। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था मुझे कभी समझ नहीं आता था ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो मुझे ये समझ नहीं आता ये कैसे पता लगता होगा, छोटा सा 3 यहाँ पर कैसे लगता है। अब यही अगर मैं फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का लिख दूँ तो फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 था तो सोडियम का सिंबल होता है Na, तो इसका जो होना चाहिए था फॉर्मूला वो क्या होना चाहिए था NaCO3, बट यहाँ 2 कहाँ से आ गया। ये बातें बहुत ही परेशान करने वाली है और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। जैसा कि अभी तक का मेरा केमिस्ट्री टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर बच्चों को ये फॉर्मूला बनाना आ जाए, मैं फॉर्मूला बनाऊंगा आप नाम बता दीजिए, या मैं नाम बताऊंगा भाई एल्यूमिनियम सल्फेट बोलिए फॉर्मूला, अगर ये चीज़ें आपको आ जाएं तो केमिस्ट्री फिर कहीं भी मुश्किल नहीं रह जाती है। थोड़े से बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स के ऊपर सारी केमिस्ट्री को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होगा बेटा आपका जब तक आपको ये कंपाउंड बनाने की पूरी नॉलेज नहीं होगी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं बहुत सारी ट्रिक आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी बुक्स में नहीं अवेलेबल हैं। आपकी केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो लेट्स स्टार्ट दिस मैजिकल सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो जो हमारा पहला चैप्टर है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब उसमें पहली हेडिंग ही है केमिकल रिएक्शंस, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे बाद में। तो केमिकल रिएक्शंस में जाने से पहले मैं आपको आपके एटमॉस्फेयर में लेकर जाना चाहता हूँ। एटमॉस्फेयर में आपके बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को आपने छोटे क्लासेस में दो पार्ट में क्लासीफाई किया था। वन वॉज फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड वॉज केमिकल चेंजेस। जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क या कर्डिंग ऑफ मिल्क दही बन जाता है, आयरन पे रस्ट आ जाती है ब्राउन कलर की और वो धीरे धीरे पाउडर की फॉर्म में झड़ने लगती है और वो वीक होता जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं, कॉपर आर्टिकल्स ग्रीन हो जाते हैं, जो फ्रूट्स हैं वो अपने आप पक जाते हैं, आपका खाना आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, जब हम किसी कागज़ को जलाते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से मम्मी खाना बनाती हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं सब्जी वगैरह वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट बचते हैं वो एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं अगर हम उनमें से बात करें केमिकल चेंजेस की, केमिकल चेंजेस अकर्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस। जहां जहां भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहां पर कोई ना कोई उसके अंदर रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज का मतलब क्या है बेटा, केमिकल चेंज का मतलब ये है, अब आप समझिए, मिल्क था और मिल्क वो दही बन गया, कर्ड बन गया, योगर्ट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, अच्छा जी, जो सर आयरन था आयरन के ऊपर एक लेयर आ गई
दैट इज कॉल्ड रस्ट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, वो सब डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल था चांदी, 3-4 साल के बाद वो काला पड़ गया, ब्लैक। कॉपर था, कॉपर को साहब आपने गर्म किया, कॉपर को गर्म किया तो उसके ऊपर भी एक ब्लैक कोटिंग आ गई। ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, समझ पा रहे हैं बात। सोडियम था, सोडियम को जैसे ही हवा में निकाला, जनरली सोडियम को जो है वो हम केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखते हैं, क्यों रखते हैं जानेंगे इस चैप्टर में। तो सोडियम को जैसे ही बाहर निकाला तो उसने फायर को कैच कर लिया, उसमें आग लग गई। क्यों हुआ ऐसा, ये सारे केमिकल चेंजेस हैं। तो केमिकल चेंजेस को मैं बोलता हूं, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल एंड इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऐसे चेंजेस जो इरिवर्सिबल हैं, यानी कि परमानेंट इन नेचर, अगर एक बार हो गए तो रिवर्स जाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरा, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा, मिल्क से दही बन गया, मिल्क की प्रॉपर्टी कुछ और थी, दही की प्रॉपर्टी कुछ और थी, आयरन का फॉर्मूला कुछ और है, रस्ट का फॉर्मूला कुछ और है, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ गई सिल्वर सल्फाइड की, आगे जानेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये सिल्वर सल्फाइड भी ब्लैक कलर का होता है, ये कैसे आया, या ये नया सब्सटेंस बन गया, बात समझ रहे हैं आपको। तो केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। ये जितने भी नए सब्सटेंस बने हैं इनकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगी, टोटली डिफरेंट होगी। सोडियम एक पॉइजनस सब्सटेंस था और ये हवा में आते ही आग पकड़ लेता है। क्लोरीन भी एक पॉइजनस गैस है, बट जैसे ही आपस में रिएक्शन करे तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना NaCl, जिसको आप टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज टोटली डिफरेंट दैट ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम ऑल्सो। क्लास 9th में ही हमने एक चैप्टर पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमने जाना था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें आपने एलिमेंट पढ़ा था, कंपाउंड पढ़ा था, मिक्सचर्स पढ़ा था। तो हम जानते हैं जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिस चीज से कंपाउंड को बनाया है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन जैसे ही पानी में आप चीनी घोलेंगे, नींबू डालेंगे, शिकंजी बनाएंगे, शरबत बनाएंगे, तो उस शिकंजी में नींबू की भी स्मेल आएगी, उसका भी टेस्ट आएगा, शुगर का भी टेस्ट आएगा, मीठा भी लगेगा, खट्टा भी लगेगा, नमक डालेंगे तो नमकीन भी लगेगा। तो वो सारे मिक्सचर थे, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और ये चैप्टर किस बारे में दे रखा है, ये मैं सब आपको समझाऊं और वो सारे बेसिक बताऊं, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो और जिसके ऊपर आप अपनी केमिस्ट्री की बिल्डिंग को बहुत अच्छे से खड़ा कर सकें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारे केमिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ये सारे केमिकल चेंजेस इन रिएक्शंस की वजह से हो रहे हैं। अब सर, रिएक्शंस क्या हैं? तो केमिकल रिएक्शंस वो हैं जिसमें सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको कंपाउंड बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी कि नई प्रॉपर्टी के साथ वो सब्सटेंस बनते हैं। तो इसी को हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जितने भी आ रहे हैं, फलों का पकना, आम पहले था ग्रीन, खट्टा था, पकने के बाद वो हो गया पीला या फिर रेड भी हो जाते हैं कुछ, और वो टोटली डिफरेंट उसका टेस्ट हो गया। इस तरीके से आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बहुत सारी, और हमारी ग्रोथ हो रही है, कभी बुखार आ जाता है तो इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है, तो बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ये चैप्टर इसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। आपको केमिकल रिएक्शंस बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो बेटा हम हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली बच्चों, अब जानने का वक्त आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर एग्जाम में या कहीं पूछा जाता है तो केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनते हैं, बात समझ आ रही है? इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा इसके साथ,
बहुत ही अच्छे से वो नोट्स और बहुत ही ट्रिक के साथ बनाए गए हैं, काफ़ी मेहनत तो उस पर की गई है। तो यहाँ से आप समझेंगे और उस नोट्स को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका केमिस्ट्री में बनने जा रहा है। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बात समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शंस ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस, जितने भी दुनिया में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन ही है जो केमिकल चेंजेस को लेकर आती है, यही है केमिकल चेंज के पीछे की वजह जो आप पिछले क्लासों में पढ़ते आ रहे थे। अच्छा, अब एक चीज आपको यहां बेटा और समझनी पड़ेगी, रिएक्टेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट्स? तो ये वो सब्सटेंस है जो इनिशियली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब वो केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो कौन कौन से सब्सटेंस उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स, तो ये वो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एट इनिशियल लेवल। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा शुरुआत में, यानी कि रिएक्टेंट्स बच्चों वो सब्सटेंसेस कहलाएंगे। सब्सटेंसेस से मतलब आप समझ रहे हैं, प्योर सब्सटेंस का मतलब वही है एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर, इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं। तो प्योर को ही सब्सटेंस बोल सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। सब्सटेंस अगर कोई वर्ड बोल रहा है तो वो अपने आप में प्योर है, प्योर है तो उसका मतलब है एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स, क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो वाटर बनाता है, इतनी बात सभी ने पढ़ी होगी। इसके पीछे भी रीजन है कि यहां ओपे टू क्यों लगा रहे हैं, जब हम सोडियम लिखते हैं तो एन ए लिखते हैं, यहां क्यों टू लगा रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आप सोचेंगे कि ये टू क्यों लगा है? आप पेशेंस रखिए और कंसंट्रेशन बना के रखिए, एक एक बात विद प्रूफ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, क्यों जरूरत पड़ी, कौन सा बॉन्ड इनके बीच में है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में है, ये सारी बातें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हैव पेशेंस एंड डू कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए, हो गई इतनी बात। तो इसमें हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो इनिशियल लेवल पे कौन थे, एच टू और ओ टू, तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। फिर आता है प्रोडक्ट्स, तो जो फाइनली रिजल्ट बनता है, ठीक है, सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, शॉर्ट में लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वाटर बन जाएगा, सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, अब सोडियम पे तो मैं Na2 नहीं लिख रहा हूं बट क्लोरीन पे लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है बच्चों आपका और ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, वो सब्सटेंस जो इनिशियल लेवल पे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और उसके रिजल्ट में जो सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बने या दो बने या दो से ज्यादा बने, जितने भी बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं जिसमें दो प्रोडक्ट भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से
सर यही तो मुश्किल है, सर यही तो सीखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपने नाम लिया, फॉर्मूला लिख दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया, फॉर्मूला लिख दिया। सर जब हमारे ऊपर ये बात आएगी, सर हम तो फंस जाएंगे। कोई नहीं फंसेगा बच्चों, इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद ये फॉर्मूले कैसे बनाएंगे आपको थोड़ा सा पीछे क्लास नाइन्थ में लेकर जाऊंगा मैं। आगे नहीं पढ़ाने वाला हूं, कहीं आप सोचो कि मैं इसमें आगे पढ़ाने वाला हूं, बिकॉज पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं निकलेगा जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो हैव पेशेंस, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बेसिक्स पे काम करेंगे, देन वापस आएंगे। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बेटा ये बनाएगा NaCl और साथ में बनेगा वॉटर। तो ये रिएक्शन दिखा रही है, इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट्स होंगे या एक ही रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है। एक रिएक्टेंट स्प्लिट होकर दो प्रोडक्ट बना सकता है, उसके बेस पे ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बनाई गई है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है बात समझ आ गई होगी, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, उस बेसिक की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। वो बेसिक आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर आप ये पढ़ लें और आप इतना याद कर लें तो केमिस्ट्री को हलवा बनाने की जिम्मेदारी मैं देता हूं। केमिस्ट्री बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपके आ जाएगी, बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट हो जाएगा, बच्चों का खेल। तो चलिए देखते हैं भाई ऐसी कौन सी चीज है। यहां पे मैंने लिखा है बेटा सम इंपॉर्टेंट कैटाइन और उनके फॉर्मूलास। कैटाइन आप जानते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, कैटाइन, जो आयन होते हैं। सम इंपॉर्टेंट एनायन, वो आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और उनके फॉर्मूलास। अब हम जानते हैं जितने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस वन चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस टू आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा प्लस थ्री आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी, अगर नहीं भी आती है तो मैं आपको समझा देता हूं। लाइक सोडियम की अगर हम बात करें, ठीक है बात समझिएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज क्यों करता है ये आपने क्लास नाइन्थ और लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जल्दी से देख लीजिए, फिर पहले इसको समझा देते हैं। लाइक सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो 11 है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, और ये 23 होता है एटॉमिक मास। और न्यूट्रल कंडीशन में यानी कि जब एटॉम ना ही लूज करा होता है ना गेन करा होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 11 माइनस वाले पार्टिकल्स थे, और 11 प्रोटॉन थे 11 प्लस वाले। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिलेटिव चार्ज है वो माइनस वन माना गया था क्लास नाइन्थ में, आपको याद होगा। प्रोटॉन के ऊपर प्लस वन माना गया था चार्ज, रिलेटिव चार्ज की बात हो रही है। अगर रियल चार्ज की बात करें तो आपको याद होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। और इस पे ये नेगेटिव और इस पे ये पॉजिटिव हो जाता है अगर रियल चार्ज की बात करें तो। बट अभी हम रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे, आंसर कितना आएगा, 0। सीधी सी बात है, 11 प्लस का हो नंबर और 11 माइनस का हो आंसर 0 हो जाएगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, सर यही तो जानना है कि लूज क्यों कर रहा है, सर सभी ने आज तक रटाया है तो देखो भाई सोडियम लूज क्यों कर रहा है। तो अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखें, सोडियम के पास कितने हैं, 11 प्रोटॉन है। तो पहले शेल में दो आते हैं, इतना तो पता होगा यार, क्लास नाइन्थ में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, के शेल, एल शेल, एम शेल, बोहर ब्यूरी की स्कीम थी, नील्स बोहर ने बताया था, पहले में दो आएंगे, दूसरे में आते हैं आपके 8, तीसरे में बचा 1। तो जैसा कि क्लास नाइन में हमने बच्चों पढ़ा था कि हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट अचीव करना चाहता है। अब ये नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट क्या है, इनर्ट गैस वो होती है जिनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल होता है, ना उनको देने की जरूरत होती है ना उनको लेने की, यानी कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। कौन सी इनर्ट गैसेस थी सर, अब एक टॉपिक आपने और जोड़ दिया उसमें। तो बेटा पहले इनर्ट गैस का समझ लेते हैं। अब
केमिस्ट्री ऐसे ही फंदों से बनी हुई है, एक के अंदर एक चीज बुनी हुई निकलती चली आएगी, निकलती चली आएगी। बट अगर आप जब तक समझेंगे नहीं इन चीजों को, तो फिर वो रटने के अलावा महज कुछ भी नहीं है। इसलिए केमिस्ट्री जिस बच्चे को आ गई वो एक्सपर्ट है, और जिसको नहीं आई उनका मन हट जाता है, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आइए पहले मैं इनर्ट गैस आपको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा और इनके एटॉमिक नंबर बताता हूं। तो सबसे पहले जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है? हीलियम। उसके बाद कौन सी है? नियॉन। उसके बाद कौन सी है? आर्गन। उसके बाद कौन सी है? क्रिप्टॉन। उसके बाद कौन सी है? ज़िनॉन। उसके बाद कौन सी है? रेडॉन। इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है मेरे पास। अभी एनायन कैटायन हम देखेंगे थोड़ी देर में, पहले आप इसको समझ लें। तो अच्छी ट्रिक क्या है, ये आपको दिख रहा है ना, क्या है मेरे पास? हीना। मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिखता हूं, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इतना अगर आप याद कर लें, बहुत ही फनी सी चीज है। हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, क्लास 9 में पढ़ाया था किसी ने आपको? नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया था तो बहुत ही नाइंसाफी हुई है आपके साथ, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक हैं जो क्लास 9 में पढ़ा दी जाती हैं बच्चों को याद करने के लिए, जिससे वो आपको सारी इनर्ट गैसेस याद हो जाएंगी। इनर्ट का मतलब ये होता है जो रिएक्शन ना करे किसी से। हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है ये मैं आपको इसी से समझ में आएगा। कोई गेन क्यों करता है ये भी आपको इसी से, पूरी थ्योरी यहीं से समझ में आएगी। फिर चार्ज कैसे बनते हैं वो इसके हिसाब से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस वन आएगा, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर माइनस वन आएगा, तो फिर इस चार्ज को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चों जो है वो क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री में, हेनरी मोजले, बच्चे कभी कभी उनको मोजे बोल देते हैं। उन्होंने एक मैजिकल नंबर दिया था, हालांकि इसकी ट्रिक है जो हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स की पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। देखा होगा आपने, पीरियडिक टेबल बहुत बड़ी सी होती है, एलिमेंट्स होते हैं उसमें 118, 15। तो उसको उसमें ट्रिक आएगी है, लेकिन अभी आप एक नंबर याद कर लीजिए, एक मैजिकल नंबर कहलाता है उनका, हेनरी मोजले का एक मैजिकल नंबर है 2881832। बस आप इतना याद कर लीजिए, इसका क्या यूज होगा वो हम आगे समझेंगे। 2881832। तो यहां से आपको क्या होगा, इनके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। 2, अब सर नियॉन का कितना है? 2 में 8 प्लस कर दो, तो 2 में 8 प्लस करोगे 10 हो गया, 10 में 8 प्लस करो ऑर्गन का आ गया 18, 18 में 18 प्लस करो 36, 36 में 18 और प्लस करो 54, 54 में 32 प्लस कर लो, तो 54 में 32 प्लस करोगे 4, 2, 6, 5, 3, 86 हो गया ये। तो ये हमारे इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर याद हो गए, यानी कि एटॉमिक नंबर भी इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब हम पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करेंगे, पूरी पीरियडिक टेबल अपने आप याद हो जाएगी। सारे एटॉमिक नंबर सिर्फ एक से याद हो सकते हैं, इस मैजिक नंबर का यूज करके। फिलहाल तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, हेनरी मोजले, इस तरीके से लिखते हैं। हेनरी मोजले का ये मैजिकल नंबर है जिन्होंने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया था। एनीवेज, अब देखिए आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 एक ही शेल आएगा के। अब एक चीज देखिए, कितने शेल होते हैं, शेल बढ़ाते जाइए, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन के एल एम एन ओ पी, कितने भी कर लीजिए। इसमें 2, 8, पहले में 2 आते हैं दूसरे में 8 आते हैं। और बोहर ब्यूरी ने क्या कहा था कि लास्ट शेल में मोस्टली 80 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही वो एकोमोडेट कर सकता है। अगर वो लास्ट शेल पढ़ रहा है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आई होप आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल तो पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो ये हो जाएगा 2, 8। अब कहोगे सर इसकी कैपेसिटी ठीक है 8 हो गई, तो 8, 2, 10 हो गया, इस वाले में हो गया 8। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां से समझिए, 2, 8, 18, 8। सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया, इसकी कैपेसिटी 2 थी, इसकी 8 थी, तो इसकी 18 थी और इसकी 8 थी। सर ये कैसे पता चलेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये वाला तो भी सर बता दीजिए। तो एक फॉर्मूला आप याद कर ली, इसमें भी एक ट्रिक है, 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। यानी कि अगर पहला शेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर, ये भी क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने।
दूसरा शेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर, तीसरा शेल है तो 2 × 3 का स्क्वायर, चौथा शेल है तो 2 × 4 का स्क्वायर, पांचवा शेल है तो 2 × 5 का स्क्वायर। तो पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 आएगा। उसके बाद और अभी जो मैजिकल नंबर कराया था आपको याद, वो भी यही है 2 8, और दूसरे वाले में कितने आएंगे, सॉरी तीसरे वाले में 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 2 8 18, 4 का स्क्वायर 16 2 32, 5 का स्क्वायर 25 50, 6 का स्क्वायर 36 36 2 72। अच्छा हो गया याद, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए 2n² सारे अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात को समझिए, ये बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री का, इसके बिना आप केमिस्ट्री में कुछ पढ़ नहीं सकते बच्चों, इतनी बात याद रखना। अब थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो जाएगा बट सारे बेसिक आपके आज ही क्लियर हो जाएंगे। देखो अब बची जिनॉन, इसको याद भी करने की ट्रिक हो चुकी है, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। अच्छा वाली बात तो बताना भूल गए, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन का क्या मतलब था, हीना यानी कि ही फॉर हीलियम, ना यानी कि नियॉन, हीना और मतलब ऑर्गन, के मतलब क्रिप्टॉन, हीना और करीना, सॉरी हीना और करीना, करीना से कौन हो गया क्रिप्टॉन, के ऐसे लगा दिया था बीच में, एक्सरे एक्स से आ रहा जिनॉन, रंगीन आरएन मतलब रेडॉन, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हो गई याद, नंबर कैसे याद हुआ, 2 8 8 18 18 32 प्लस करते चले गए एटॉमिक नंबर याद हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। तो इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, इसमें 18 आ गए, कितने हो गए 18 2 20 और 8 28। अब आप एक बात देखिए बहुत ध्यान से, 2 8 18 यानी कि हमने 18 और 20 20 और 28 इलेक्ट्रॉन का हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं एक रूल है वो आप समझ जाओगे, 28 इलेक्ट्रॉन का हम यूज कर चुके हैं और हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि हमारे पास 54 में से 28 माइनस कर लीजिए तो 26 बचे, और इस वाले शेल की कैपेसिटी क्या है 32, और हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 इसमें भर दिए बिकॉज ये 32 होल्ड कर सकता है और है हमारे पास कितने 26। बट ये रॉन्ग है, देखो बच्चों क्यों रॉन्ग है, यही तो बताया था नील्स बोहर ने, बोहर ब्यूरी की इलेक्ट्रॉन फिल करने की स्कीम जो क्लास 9 में पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है ये होल्डिंग कैपेसिटी होंगी, द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एनर्जी लेवल या शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ दैट शेल, बट इफ इट इज लास्ट शेल, अगर उन्होंने कहा अगर ये लास्ट शेल है देन इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर वो लास्ट शेल है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट या होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसमें 26 आ रहे हैं बच्चों, 26 के बाद खत्म हो जाएगी ना बात, तो यानी कि ये आखिरी शेल बचा, और आखिरी शेल बचा तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये आखिरी शेल है तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। देखो इसके लास्ट में भी 8 है, इसके लास्ट में भी 8, इसके लास्ट में भी 8, तो हमारे पास 8 का ऑप्शन है। आप सोचोगे सर 8 भर दीजिए इसमें, हाँ बेटा 8 भी भर देते हैं, लेकिन अब 8 नहीं होगा इसमें आंसर। रीजन बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो 2 आता है, 2 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 32 आता है। या तो आप लास्ट में मतलब क्या था 8 भर दीजिए, या 2 भर दीजिए, या 18 भर दीजिए, या 32 भर दीजिए, यही तो था, 32 तो आपके पास है नहीं, तो 32 से जस्ट पीछे वाला नंबर कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन तो आपके बनी जाएंगे ना इसमें से, तो 8 नहीं बनेंगे। अब यहां पर हम 18 भरेंगे, अगर सपोज कर लीजिए, अब ये बात क्लियर करिए यहां से, अगर आपके पास यहां पे होते 12 इलेक्ट्रॉन, 12 तब आप 8 और 18 के बीच में होते 12, तो इसके पीछे वाले नंबर भर देते 8, लेकिन अभी आप 26 पर हैं तो आप 18 तो भर ही सकते हैं, 32 नहीं भर सकते, तो यहां पे मैंने भर दिया 18। अब कितने बचे आपके पास, 26 में से 18 के 8 बचे, देखो लास्ट में 8 आ गए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए, 2 आ गया, 8 आ गया, 18 आ गया, 32 आ गया। अब देखो कितने यूज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सीख जाओगे पक्का। तो 18 और 2 20 ये हो गया, और 32 और 8 40 ये हो गया, 60 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। आपके पास कितने बचे, 26 बचे, तो 26 से पीछे वाला नंबर कौन सा 18, यानी कि इसमें 18 भर देंगे और यहां पे 8 आ जाएंगे। ठीक है बात, तो इसमें एक शेल है, इसमें 2, इसमें 3, देखो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। सबके लास्ट में या तो 2 शेल है, सॉरी सबके लास्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, इस बात को समझिएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जब ये लास्ट शेल इनका कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब क्या माना गया, 8 इलेक्ट्रॉन, अगर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो पहला शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले को बोलते हैं ड्यूप्लेट, और 8 इलेक्ट्रॉन वाले को बोलते हैं ऑक्टेट, यानी कि अगर उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीटली फिल्ड है तो वो भाई किसी से रिएक्शन क्यों करेगा। उन्होंने कहा था एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन ही इसलिए करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एग्जांपल लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करिए 2 8 7, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब मेरी उस बात को याद करिए, मैंने कहा था एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इसलिए करते हैं, वो नियरेस्ट इनर्ट गैस
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट को अचीव करना चाहते हैं। फिर से बोल देता हूं, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन इसलिए करता है, वो नियरेस्ट आइनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट अचीव करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है। मतलब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 288 हो जाएगा। क्या 288 की तरह कोई नोबल गैस आपको दिखाई दे रही है? नोबल गैस इनर्ट गैस एक ही बात है सर, दिखाई दे रही है ये, यानी कि इसके नियरेस्ट नोबल गैस यही वाली है। तो इसलिए तो मैं कह रहा था क्लोरीन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक ऑर्गन, यानी कि अब ये ऑर्गन की तरह स्टेबल हो जाएगा। अब इसका पेट भर गया, अब ये किसी से रिएक्शन करने की जरूरत इसको नहीं है। लाइक सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11। ये पूरी थ्योरी है केमिस्ट्री की, इसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, वो 9th और 10th को आप सेपरेट नहीं कर सकते इसमें कि सर ये 9th की बात है ये 10th की बात है। जैसे फिजिक्स में साउंड चैप्टर हो गया वो 9th की बात है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th की बात है, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। बट केमिस्ट्री में एक एक चीज आपको इतनी बातें हर टाइम माइंड में चाहिए अगर आपको ये पढ़ना है, क्या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस या फिर आगे का कोई चैप्टर। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी वो किसी से पढ़ते रहो टीचर से पढ़ते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बातें आप कभी जानते ही नहीं, ये बातें आप कभी सीखते नहीं कि इसका इतना इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है। फिर आपको करते रहते वैलेंसी याद करते रहते, फॉर्मूले याद करते रहते, कैसे फॉर्मूले करते कैसे रिएक्शन बनाते, बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। पेशेंस रखो और कॉन्सेंट्रेट करो। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो ये हो जाएगा 28। अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी मेटल हैं उनके लास्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होंगे या तीन होंगे, तो गेन करने के लिए उनको चाहिए 5, लूज करने के लिए चाहिए 1, 2, 3। तो 3 लूज करना या 2 लूज करना या 1 लूज करना कहीं इजी काम होगा 5 गेन करने की बजाय। अगर किसी की लास्ट में 2 हुए तो उसको 6 गेन करने पड़ेंगे, लास्ट में 1 हुआ तो 7 गेन करने पड़ेंगे। तो इतना फोर्स कहां से लाएंगे वो गेन करने के लिए? न्यूक्लियर पुल पुश इसको बोलते हैं। ये सब अभी थोड़ा डीप में समझ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो फिलहाल सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये 28 हो गया, स्टेबल हो गया। कौन सी गैस की तरह हो गया अब ये 28? देखो कौन सी है 28? नियॉन। तो सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन विच इज नियरेस्ट टू इट। तो इसके सबसे पास कौन सी जा रही? नियॉन। इसलिए मैं आपसे कह रहा था बार बार कि एलिमेंट्स लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। तो इसीलिए अब सोडियम जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? Na प्लस। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? Cl माइनस। तो ये है पूरा गेम, जितना उस पर चार्ज आता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है, जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। जितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए वही उसकी वैलेंसी है। यही वैलेंसी डिसाइड करेगी फॉर्मूला बनाने में कहां 2 लगेगा, कहां छोटा सा 3 लगेगा, कहां 4 लगेगा। सपोज ऑक्सीजन की बात करते, सोडियम का तो पता चली गया Na प्लस होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है सभी को मालूम है? 8 है, 2.6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा आपको ये भी पता चल गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों करेगा? O2 माइनस। तो इसका चार्ज हो गया O2 माइनस, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 2 सोडियम चाहिए होंगे एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक ट्रिक ये है बच्चों, वो क्यों रटाया जाता है, रटाया क्यों जाता है कि ऑक्सीजन का सिंबल लिखो और सोडियम का सिंबल लिखो, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। इसकी वैलेंसी कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये फॉर्मूला बन गया Na2O। सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, नाम क्या बनाओगे? सोडियम ऑक्साइड। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा एक और देखें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, क्या बनेगा? 283। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज क्या आएगा? Al3+। इसकी तरह हो जाएगा ये नियॉन की तरह स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का भी लिखा था O2 माइनस। अब क्या करें? तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो गया? Al2O3। अब कैसे याद करोगे कहां छोटा सा 2 लगाना है और कहां छोटा सा 3 लगाना है, ये कैसे याद कर लोगे आप लोग? अगर आपको ये पता हो सारी बातें तो चुटकियों में हो जाएगा काम। वैलेंसी याद होना चाहिए, वैलेंसी मतलब आयन, वही आयन तो मैं आपको लिखा रहा था लेकिन वो भी रटाना हो जाता। वो आयन कैसे बन रहा है? वो आयन ऐसे बन रहा है, इस बात को आप समझो, मेरी बात को समझो। यानी कि 2 एल्यूमिनियम लो, 3 ऑक्सीजन लो, तब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। 2 एल्यूमिनियम लो, कितने एल्यूमिनियम लो? 2, फॉर्मूला बना था Al2O3। 2 एल्यूमिनियम लो, 3 ऑक्सीजन लो, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ध्यान दीजिए। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने, 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, दोनों का काम हो गया। यानी कि फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब 2 एल्यूमिनियम हो और 3 ऑक्सीजन हो। तो इतनी मैथमेटिक्स कहां से लगाओगे आप, क्या करोगे? तो इसलिए वो सिंपल सी ट्रिक है, कोई एलिमेंट का सिंबल बनाओ, उसके नीचे उसका वही चार्ज वाली वैलेंसी लिख लो। मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, क्या हुआ? 2882। क्लियर है? तो इसका चार्ज हो गया 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा। तो ऐसे नहीं लिखा, उसके नीचे लिख लो। अब मुझे इसका फॉर्मूला क्लोराइड से बनाना है, Cl- होता है 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई CaCl2, फॉर्मूला तैयार है। अब कहीं पे आएगा जब हमारे चैप्टर में कैल्शियम क्लोराइड, आप तुरंत फॉर्मूला बना लोगे। तो एलिमेंट लूज और गेन क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं।
वो अपना लास्ट शेल फिल करना चाहते हैं कम्प्लीटली ऑक्टेट, ताकि वो नॉबल गैस की तरह स्टेबल हो सकें। उसके लिए वो लूज और गेन करते हैं, और आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए जिसको लूज करने होते हैं वो लूज कर देता है, जिसको गेन करने होते हैं उसको गेन कर लेता है। तो उसके हिसाब से वो जितने चाहिए, मान लो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बट क्लोरीन 1 क्लोरीन तो एक ही ले पाएगा ना, कैल्शियम 1 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 क्लोरीन एक ही रिसीव कर सकता है, तो 2 क्लोरीन हो गया यहाँ पर। एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन ले लेगा, तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला बन गया CaCl2। बट इसको इस तरीके से समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए सिंपल सी ट्रिक आपको क्लास 9 में पढ़ाई गई थी, बट ये रटाई गई थी आपको वहां पर कि भाई क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी और कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, तो आपस में इंटरचेंज कर दो, निंजा टेक्निक लगा दो, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। बट कुछ फॉर्मूले अभी भी ऐसी हैं जो इससे नहीं बन पाएंगे, कुछ कंबाइंड आयंस होते हैं लाइक फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट, तो वो मैं आपको सम इंपॉर्टेंट आयंस में पढ़ाने वाला हूँ। आई होप कि ये आपको बातें अब समझ में आ गई होंगी क्लियर। अगर आप वाकई में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है और चीज़ों को समझ के आपको मजा आता है, और आप ये जानना चाह रहे थे वाकई में कि केमिस्ट्री का क्या मतलब है, कितनी सारी मैंने आपको यहाँ ट्रिक सिखाई, तो यकीनन आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आएगा। तो चलिए वो कुछ इंपॉर्टेंट जो आयन की जिनकी मैं बात कर रहा था वो मैं लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि वो अभी आपको 10th क्लास के किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वो आपको चाहिए होगा, उसके बिना आप पढ़ नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने एक टेबल को क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे मैं वो सारे आयंस, यानी कि आयंस पे आप समझ गए होंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन करता है, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर ये आयन आप याद कर लें तो मैं गारंटी देता हूं 10th क्लास की केमिस्ट्री विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर आप ये टेबल याद कर लें 10th क्लास की केमिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे आएगी, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। अगर आप इतना याद कर लें, सर याद कर लें, अगर आप एटॉमिक नंबर, बेटा कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके पीछे ना आपको फैक्ट अगर आप जानने में लग जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपको कोई नंबर है या कोई फिगर है वो तो याद करना ही पड़ता है ना, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल तो याद करना पड़ा था ना। तो इसी तरीके से जैसे अब मैं कहूँ कि सम इम्पॉर्टेंट कैटाइन है यहाँ पर, कैटाइन आप जानते होंगे पॉजिटिव जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं। आयन कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने से बनता है, क्लियर है ना। सम इम्पॉर्टेंट एनायन, एनायन मतलब जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनता है, जो मैंने अभी आपको पूरी हिस्ट्री सब आपको समझा दी थी। सपोज कर लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कर लें 281, तो हमको याद है मैंने आपको समझा चुका हूं कि हर एलिमेंट नियरेस्ट आइनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या तो ये 7 गेन कर ले तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या ये 1 लूज कर दे तो ये 1 लूज कर देगा। जब ये 1 लूज कर देगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा, वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो या तो आप ये डायरेक्ट याद कर लें बेटा आयन में जो लिखा रहा हूं, या आपने क्लास 9th में 1 से लेकर 20 तक के हर टीचर मेरे हिसाब से तो याद करवाता है कि 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर बेटा याद कर लो, जैसे 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तो ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, लेकिन उसमें सारे कवर नहीं होंगे, अप टू कैल्शियम तक होता है 20, तो उसमें मेन कवर हो जाएंगे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कर लीजिए सोडियम हो गया, मैं पहले वो बताऊंगा जिनके ऊपर +1 चार्ज आता है, फिर वो कैटाइन लूंगा जिनके ऊपर +2 आता है, फिर बोलूंगा जिनके ऊपर +3 आता है, जो जो हमारे काम के हैं। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, दुनिया में हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, यानी कि वैसे सारे नॉन मेटल जो है ये एक्सेप्शन है, सारे नॉन मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, बट हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, लूज करता है, तो H+। तो इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका नाम क्या बनेगा, जितने भी मेटल है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाइड्राइड हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, तो इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हाइड्राइड आयन, ठीक है, हाइड्राइड आयन, क्या भी फॉर्मूला H+ जो हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब बाकी आगे सारे मेटल है, और एक और नॉन मेटल है लेकिन वो कंपाउंड है, किस तरीके से, मतलब ये सिंगल एलिमेंट है वो कंपाउंड आयन है, कौन सा है कंपाउंड आयन, NH4+ अमोनियम, ये भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो पॉजिटिव आयन बनाता है, बट ये कंपाउंड आयन है, जो मैं इसके बाद पढ़ूंगा कंपाउंड आयन अलग से, ठीक है। हम क्लास 10 की बात कर रहे हैं, देख लीजिए स्टडी हमारी कहां पर हो रही है, बुक जो है ना, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आपके स्कूल के लेक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है कन्वेंशनली, उससे ये टोटली डिफरेंट है, इस पर कोई ध्यान ना दे रहा है ना कोई देना चाह रहा है,
बट आप यहां पर हैं, मेरे साथ हैं, एक एक चीज आपको क्लियर करके पता चलेगी बच्चों, ठीक है। तो सोडियम हो गया, अभी जैसा कि आपको मैंने बताया कि सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इस पे चार्ज आ गया Na प्लस। इसी तरीके से हमारा लिथियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, हाइड्रोजन था, 2 पे हीलियम था, 3 पे लिथियम था, 4 पे बेरिलियम था और 5 पे बोरोन था, ठीक है ना, हाँ, 6 पे कार्बन था, 7 पे नाइट्रोजन था, इस तरीके से चलता है। तो लिथियम जो है हमारा वो भी प्लस बनाता है, Li प्लस, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.1 आएगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसके बाद हमारा जो पोटेशियम है, के से डिनोट करेंगे या इस तरीके से लिख देता हूं, पोटेशियम, ये भी आपका के प्लस। अब डबल वाले लीजिए, हमारे सिंगल वाले लगभग इतने काम के थे, अब डबल वाले ले लीजिए। डबल वाले की बात करूं तो मैं सबसे पहले ले लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका 12 है तो 282 हो गया, अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे तब भी यहां से याद हो जाएगा, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Mg2 प्लस। उसके बाद हमारा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, एटॉमिक नंबर 20 है तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2882, ठीक है। अच्छा एक बात यहां पे और बता दूं, मैं कुछ भी नहीं चाह रहा हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में ना आए, सर इसकी कैपेसिटी 2 है, ठीक है, सर इसकी कैपेसिटी 8 है, बट सर इसकी कैपेसिटी तो 18 थी, इसमें 8 क्यों आ रहे हैं, इसमें तो 10 भर जाते, मैंने आपको बताया था 8 तो 10 यूज कर लिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा 20, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और तीसरे वाले शेल की जो कैपेसिटी है वो 18 है, यानी कि वी कैन पुट ऑल दीज 10 इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल, दिस मीन्स दिस इज लास्ट शेल। बट नील बोर्स ने क्या कहा था, इफ इट इज लास्ट शेल देन इट इज देन इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ये उनका रूल है, अगर वो लास्ट शेल है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं करेगा। तो हमारे पास 10 थे, 10 में से हमने 8 ही देंगे इसको, और ये 2 आ गया, ये भी क्लास 9 में से कहा जाता है बट मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। तो कैल्शियम पे भी 2 प्लस चार्ज जाएगा, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से सारे आयन लिख लेंगे। तो कैल्शियम के बाद आप जिंक ले लीजिए, जिंक पे भी Zn 2 प्लस है। उसके बाद बेटा लेड ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड के बहुत सारे कंपाउंड हमें बनाने क्लास 10 में, Pb2 प्लस है। उसके बाद आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर तो कॉपर की 2 वैलेंसी है, Cu प्लस Cu2 प्लस, ये क्यों है वो आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा, बट सर क्लास 10 में कौन सी यूज करेंगे, जनरली 2 यूज करेंगे, बट अगर वो बोल दें कॉपर फर्स्ट Cu फर्स्ट तो Cu फर्स्ट का मतलब है Cu प्लस, और वो बोल दे कि Cu2 प्लस तो उसका मतलब है कॉपर सेकंड, तो अगर वो ऐसा करके बोले कि कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है तो कॉपर की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फॉर्मूला बन गया Cu2O, तो ये कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड हो गया, अगर सेकंड ऑक्साइड होगी तो यहां भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, CuO हो जाएगा, तो वो वहां पर मेंशन होगा, ये कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड आप यहां पर लिख लेंगे कि ये कॉपर फर्स्ट है, ये कॉपर सेकंड है, क्लियर है। तो जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, बेरियम, बेरियम जो आयन है वो भी है Ba2 प्लस, ठीक है, सिंबल हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बच रहा है आयरन, तो आयरन है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इसकी भी 2 वैलेंसी है, क्यों है वो आप समझेंगे क्लास 11th में, यहां पे इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो उस Fe2 प्लस, Fe2 प्लस वाले को आप आयरन सेकंड भी कहते हैं या फिर बेटा फेरस बोलते हैं, इस बात को अलग से नोट कर लीजिए, कहीं लिखा आएगा फेरस सल्फेट तो बस समझ लीजिए 2 वैलेंसी ली गई है, या आयरन सेकंड ऑक्साइड समझ लीजिए 2 वैलेंसी ली गई है। उसके बाद होता है फेरिक, फेरिक का मतलब ये होता है Fe3 प्लस, यानी कि उसकी वैलेंसी 3 है, और इसको हम आयरन थर्ड भी बोलते हैं, कौन सा, आयरन थर्ड, ठीक है। तो इस बात को अलग से नोट कर लेंगे आप लोग। तो लेड हो गया, कॉपर हो गया, बेरियम हो गया, बेरियम, आयरन, जिंक, ठीक है, लगभग सारे हो गए, बस एक सिंगल वैलेंसी वाला है जो मैं यहां ऊपर लिखना चाह रहा था बट रह गया, तो इसको आप नीचे मेंशन कर लीजिए। सिल्वर के भी एक दो कंपाउंड हमें बनाने पड़ जाते हैं, सिल्वर की वैलेंसी 1 है Ag प्लस, ठीक है। तो ये सारे आपको चाहिए होंगे, अच्छा 2 वाले हो गए, 3 वाला बस और रह गया, एक और रह गया, एक और है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al3 प्लस, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 13 है, तो 283 हो गया। ये सारे वो कैटाइन है या आप मेटेलिक आयन बोल लीजिए जो आपको क्लास 10 में चाहिए ही होंगे, अगर आप इतना याद कर लें, कोई बच्चा फॉर्मूला बोलेगा, कोई टीचर फॉर्मूला बोलेगा, कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा, वो नाम बोलेगा, फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होगा। अब सम नेगेटिव चार्ज, सम इंपॉर्टेंट एनाइन, एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो वो सारे किसके होंगे हम जानते हैं, नॉन मेटल्स के होंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 2 वगैरह 3 वगैरह पे जाएंगे। तो 1 वाला आप सबसे पहले समझिए, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन F-, उसके बाद क्लोरीन, इसका बहुत यूज होगा Cl-, उसके बाद ब्रोमीन Br-, उसके बाद आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है वो भी आपको पीरियडिक टेबल में पता चलेगा, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरीके से, ठीक, ये 1-1 वाले हो गए। उसके बाद अब आप आ जाइए ऑक्साइड, अच्छा मुझे ऐसा करके लिखना चाहिए था, मैंने बताया भी था, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे फ्लोराइड, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे ब्रोमाइड,
और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। आयोडीन का जो नाम बन जाएगा वो आयोडाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्सीजन बोले तो ऑक्साइड ओ टू माइनस, सल्फर का सल्फाइड एस टू माइनस, उसके ऑक्सीजन का हो गया सल्फर का हो गया। नाइट्रोजन का जो बच्चों है वो है नाइट्राइड एन थ्री माइनस, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, 2.5। ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर, 3 करेगा, तो 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नाइट्राइड की वैलेंसी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। तो मेटल नॉन मेटल में हम लोग अगर इतना याद कर लें बिल्कुल काम बन जाएगा हमारा बहुत आराम से। अब कुछ कंपाउंड आयंस है, मतलब उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, जैसे सल्फेट हो गया, बहुत सारे एलिमेंट में, बहुत सारे कंपाउंड में सल्फेट लिखा था, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो भाई सल्फेट की तो जानकारी नहीं है। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ये सारे कंपाउंड आयन हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कंपाउंड आयंस पढ़ने बहुत जरूरी है, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़े थे, बट हम यहां रिवाइज जरूर करेंगे जिससे हमारी केमिस्ट्री फिंगर टिप्स पे आएगी। चलिए तो देखते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको इन सारे नोट्स का पीडीएफ फॉर्म बिल्कुल मिलेगा 100%, पीडीएफ फॉर्म जो भी इन नोट्स की है वो आपको 100% मिलेगी। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें और वो नोट्स जिन पे बहुत मेहनत की गई है वो भी आपको मिलेंगे इसके साथ साथ। आप ये मत सोचिएगा कि साइंस का सिर्फ लेक्चर मिलेगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन तो कहीं से भी आप उठा के करिए, प्रैक्टिस मोड करना है और किसी एक पर्टिकुलर बुक का हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। बट केमिस्ट्री में क्या होगा, आपको या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायोलॉजी में जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखेंगे कंपाउंड आयंस की कौन सी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड आयंस, आयंस इसलिए लिख रहा हूं इसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं, ठीक है। तो यहां उनका मैं नेम बता रहा हूं किस नेम से उनको बुलाया जाएगा और यहां उनका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सबसे पहले वन वाले लेंगे जिसकी वैलेंसी वन होगी, चाहे वो प्लस वन हो चाहे वो माइनस वन हो। अमोनियम, इट इज वन ऑफ द, ये उन दो नॉन मेटेलिक आयन में से है जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, एक तो हाइड्रोजन हो गया एक ये अमोनियम हो गया NH4+। अब सपोज कर लीजिए जैसे हमने किसी ने हमसे कहा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा आपको तो अमोनियम पता है NH4+ चार्ज यानी कि वैलेंसी 1, क्लोराइड सर Cl- था बिल्कुल सही है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई फॉर्मूला तैयार है NH4Cl। दिक्कत तो यही थी ना, अगर ये समझ में आ जाएगा तो केमिस्ट्री में बचता क्या है फिर, कुछ कॉन्सेप्ट ही तो बचते हैं, कुछ रूल ही तो बचते हैं, कुछ थ्योरी ही तो बचती है, कुछ क्वेश्चन ही तो बचते हैं, तो सब हो जाएगा ईच एंड एवरीथिंग। तो बस अगर हम इतना पढ़ लें तो, ये चीज मुश्किल करती है क्रिएट, फॉर्मूला ही नहीं करेगा तो इक्वेशन को बैलेंस कहां से करोगे, रिएक्शन कैसे बनाओगे जब तक फॉर्मूले बनाने नहीं आते होंगे। फॉर्मूले बनाने की भी जब आपको ट्रिक पता चल जाएगी तो रिएक्शंस के भी मैंने खुद के जनरल फॉर्मूले क्रिएट कर रखे हैं, एक एक जनरल फॉर्मूला से 50-50, 100-100 रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं यहां से कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमोनियम, इसी तरीके से दूसरा नाइट्रेट NO3-, नंबर 3 हाइड्रोक्साइड, आप बहुत जगह सुनते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला का OH-, हाइड्रोक्साइड जहां भी आएगा वहां OH जरूर दिखेगा, नाइट्रेट जहां भी आएगा वहां NO3 जरूर दिखेगा। नंबर 4 हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनियम हो गया, उसके बाद एक और है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट इसका एक और नाम है, मोस्टली उसी नाम से आता है, बाइकार्बोनेट आयन। तो बेटा ये रहेगा HCO3-, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, जैसे आपने सल्फाइड पढ़ा था ऐसा ही है, एक सल्फाइट, वो सल्फाइड था जो सल्फर से बन रहा था, ये सल्फाइट है, वो था S2-, ये है SO3-, इसी तरीके से जो सल्फेट होगा वो SO4-2- होता है, ठीक है, ये भी सॉरी ये SO3-2- है, ठीक है। तो सल्फाइट आयन हो गया हमारा SO3-, इसी तरीके से नंबर 6 है नाइट्राइट, इनका यूज बहुत कम है फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। नाइट्राइट वो था NO3-, ये है NO2-, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, CO3-2- कार्बोनेट हो गया। नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, सल्फेट SO4-2-, ये हमारा सल्फेट हो गया, ठीक।
उसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं कुछ नाम। सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फाइट हो गया। अब बचता है फॉस्फेट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पीओ फोर थ्री माइनस। उसके बाद एक आयन है परऑक्साइड, इस पे क्लास 10th में एक क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। 10th क्लास की किसी बुक में और ये आयन अगर 9th क्लास की किसी बुक में मेंशन हो बिल्कुल मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइएगा कि सर ये मिला है हमें किसी किताब में। परऑक्साइड है O2 टू माइनस। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब पढ़ाऊंगा, शायद जिस बच्चे ने पढ़ा है वो मेरी बात को समझता होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन वहां पे इसका यूज बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉस्फेट हो गया, परऑक्साइड हो गया। अच्छा जी, एक ले लीजिए आप क्रोमेट, ये सारे बहुत रेयर वाले हैं। अब क्रोमेट CrO2 माइनस। एक ले लीजिए डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 माइनस। एक ले लीजिए आप एसीटेट, इसका यूज है ये, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है। एसीटेट है CH3C00 माइनस। तो मुझे लगता है कि अब सारे मोस्टली लिख ही दिए हैं, कार्बोनेट सल्फेट ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बस, ठीक है। तो कंपाउंड आयन में आप इतना याद कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक दो बातें मैं आपको बता, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमसे पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपके किचन में रखा हुआ है बताएंगे, जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा जो भी कुछ ऐसा करके बनाते हैं किचन में, अब मैं क्या बताऊं आपको, पकौड़ियां टाइप जो बनाते हैं और बेकिंग की जितनी भी चीज़ें हैं केक वगैरह उसको फ्लफी बनाने के लिए फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का हम यूज़ करते हैं, वो भी हमारी क्लास 10th में आएगा एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके यूज़ भी आएंगे, उसकी एप्लीकेशन भी आएंगी, कैसे प्रिपरेशन होती है वो भी आएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए उसको या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना है। तो सोडियम का आयन हो गया Na+, बाइकार्बोनेट का हो गया HCO3-। तो इसकी वैलेंसी वन, इसकी वैलेंसी वन, क्रॉस ओवर कर दीजिए, क्या फॉर्मूला बना, NaHCO3। लीजिए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तैयार है। तो कंपाउंड आयन का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमें बनाना है फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का, सोडियम की वैलेंसी जानते हैं 1 है, सल्फेट का फॉर्मूला SO4 है, वैलेंसी 2 है। देख लीजिए सल्फेट SO4 2 माइनस, क्रॉस ओवर हो गया, फॉर्मूला तैयार है Na2SO4। यही तो कभी मुझे समझ नहीं आया, छोटा सा 2 और छोटा सा 4 ये कैसे लगाते होंगे, मैं तो ऐसे बोलता था छोटा सा 2 जब मैं अपने क्लास 10th में पढ़ रहा था, कभी समझ ही नहीं आई ये चीजें, फिर बाद में पता चला कि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं और कॉन्सेप्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम मैंने कभी अपनी लाइफ में फेस करी थी वो आप भी फेस करें और ना मैं करने दूंगा। इतना पढ़ लीजिए, अब ये फाइनल हो गया आपका भी, बेसिक पूरा रेडी हो गया। इसका क्या यूज है, इसका क्या जादू है, बस 5 मिनट के लिए वो दिखाऊंगा, बाकी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। इतना पढ़ लो, उसमें कुछ बचा ही नहीं बच्चों मेरे, उसमें कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल हलवा हो जाएगी केमिस्ट्री। तो इन सब को अब आप याद करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ये सब आप प्रिपेयर करके रखेंगे। तो अब इसका थोड़ा सा यूज जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए अब बेटा सपोज करो क्लास 10th में हमारे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के बिना कुछ समझ में नहीं आएगा, वहीं से प्रैक्टिस होगी और वहीं से अंदाजा लगेगा कि किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया कि इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और बैलेंस करिए। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी, स्कूल की क्लासेस अभी ऑफ हो रखी हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत थोड़ा, मैं मान के चल रहा हूं कि आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक ये रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है सोडियम सल्फेट से एंड गिव्स सोडियम क्लोराइड और बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट लिख गया। अब इस इक्वेशन, इस ये रिएक्शन हो गई, वर्ड में लिखी हुई है, इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। केमिकल इक्वेशन में आपको अभी समझा देता हूं, जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फॉर्मूला और सिंबल अगर हम लगा दें इसकी जगह, इसका फॉर्मूला प्लस ये सिंबल हो गया, इसका फॉर्मूला ये सिंबल हो गया, तो जो भी एलिमेंट या जो भी कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको हम उनके सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, इज दैट क्लियर। तो कहेंगे कि इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, फिर उसको बैलेंस करिए
और बताइए कि वॉट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, उस रिएक्शन का टाइप क्या है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ दैट रिएक्शन, और उसको एक्सप्लेन करिए यानी कि डिफाइन भी करिए। ये चार बातें आपसे एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। लेकिन पहला सवाल था इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। अगर आपसे बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं बना, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ही नहीं बना, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं बना, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ही नहीं बना, तो क्या इसको कैसे करोगे? पहला स्टेप तो हो ही नहीं पाएगा, बैलेंस कहां से करोगे, दूसरा भी गया। इसलिए हमने वो आपको सारी थ्योरी जीरो टू हीरो पढ़ाई है। जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है केमिस्ट्री, अगर वो उतनी चीजें पढ़ ले तो हम गारंटी देते हैं केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड, बेटा बेरियम की वैलेंसी कितनी थी, अभी भी चार्ज देख लो, जाके Ba2+ लिखवाया था, देख लो मैंने कहा था बेरियम का यूज आएगा। क्लोराइड का आयन क्या लिखवाया था, Cl-, तो ये हो गया, हमें तो वैसे याद है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेरियम क्लोराइड का हो गया BaCl2, कितना आसान हो गया इसके बेस पे। सोडियम सल्फेट अब याद कर लो, हम ये क्रॉस ओवर भी नहीं करते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं, सोडियम की वैलेंसी थी 1, सल्फेट का फॉर्मूला था SO4 और वैलेंसी थी 2, तो क्रॉस ओवर कर दो तो ये हो जाएगा Na2SO4। देख लीजिए भाई, SO4 सल्फेट का फॉर्मूला था, वैलेंसी 2 थी, सोडियम की वैलेंसी 1 थी, क्रॉस ओवर होके Na2SO4 बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड दोनों की वैलेंसी 1 है, NaCl बनेगा। बेरियम सल्फेट दोनों की वैलेंसी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं इस तरीके से बोलते हैं, दो बेरियम है यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एक से एक का भी काम चल सकता है। ऐसे करके लिखें Ba2SO4 और इसका होल ट्वाइस अगर ऐसे करके लगाएं, तो जब दोनों 2 है तो सिंगल एलिमेंट भी, तो सिंगल कंपाउंड भी तो बन जाएगा, क्योंकि दोनों के दो दो यहां पे एटम बन रहे हैं, तो SO4 लिख जाएगा, BaSO4 ओनली, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे, एक ट्रिक है, फिलहाल आप इसको अभी चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं खुद से, ठीक है। बैलेंस तो समझते होंगे, ईच काइंड ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द ईच काइंड ऑफ एटम इन ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट, यानी कि हर टाइप के जितने भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उनके जितने भी एटम है जितने इधर है उतने इधर होना चाहिए। क्यों बैलेंस करते हैं वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, इसका क्लोराइड इसके साथ चला गया, इसका सल्फेट इसके साथ चला गया, आयन एक्सचेंज हो गए, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी, मेरा मेन मोटिव ये है अभी मैं बताने का कि जब तक इसकी इक्वेशन ही नहीं बनती बच्चों, तो क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते, जब तक इक्वेशन ही नहीं बना पाओगे। तो ये सारी इक्वेशन और क्यों इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आज का लेक्चर फाइनली यहीं फिनिश कर रहे हैं। लेक्चर इसलिए लंबा हुआ क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देता, मजा नहीं आता। तो ये सारे बेसिक मैंने इस लेक्चर में आपके क्लियर कर दिए हैं। अब चैप्टर पढ़ाने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट आपको मैंने जितनी चीजें यहां पर पढ़ाई हैं एक एक चीज आपको अपने माइंड में फीड कर लेनी है बहुत अच्छे से। एक बार देखिए लेक्चर, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बात को मानेंगे और सबको बहुत मजा आया होगा ये केमिस्ट्री के फैक्ट जानने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट, नई ट्रिक्स के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।